गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको आपका फिफ्थ चैप्टर है कविता आजाद करेंगे सादा बालम खान की, उसके सादा बालम की उसका फर्स्ट रिवीजन जो है आपको करवा रही हूँ और कल आपका सेकंड रिवीजन रहेगा, है ना। तो सबसे पहले देखिए जीवन परिचय आपको इसमें पढ़ना है ना। जीवन परिचय में देखिए सादा बालम का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था। एक युवा कवि, सबसे पहले जानिए कि ये एक युवा कवि है और 10 जुलाई 1988 को अलीगढ़ में इनका जन्म हुआ था और ये जो है बच्चों के लिए कविता और कहानियां लिखा करते थे। उनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हो चुकी है ना। इन्होंने स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त की। स्नातक मतलब 12 क्लास के बाद जो 3 क्लास पढ़ी जाती है यानी कॉलेज की, तो वो स्नातक कहलाती है। कविता लेखन के लिए इन्हें कई पुरस्कार मिल चुके हैं, यानी जो कविता लिखी है उसमें इन्हें कई पुरस्कार मिल चुके हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के उमाकांत मालवी युवा सम्मान है ना, किसे प्राप्त हुआ है। तो 2-3 कवि दे सकता है और उसमें पूछेगा क्वेश्चन में कि किसे मिला है, तो हमको मालूम रहेगा नाम तो हम लिख देंगे सादा बालम। तो उमाकांत मालवी युवा सम्मान के अलावा इन्हें भारतीय बाल कल्याण संस्थान कानपुर द्वारा भी इनके रचनात्मक लेखन के लिए सम्मानित किया जा चुका है ना। ये जीवन परिचय आप तैयार करेंगे। उसके बाद आओ करें एक, आओ करें एक में फर्स्ट क्वेश्चन है परिंदा फल खाने के लिए कहाँ जाता है ना, बाग बगीचे में, महल में, झोपड़ी में, मंदिर में। तो ये बाग बगीचे में जाता है, ये आपका है आओ करें एक। सेकंड क्वेश्चन है परिंदा किसका पानी पीता है, नदी का, कुएं का, तालाब का, झरने का। तो झरने का है। अपनी मर्जी के फल खाऊं का क्या असर है, मतलब मनपसंद फल खाना, लाल फल खाना, मीठे फल खाना, कच्चे फल खाना। तो मनपसंद फल खाना। उसके बाद आजाद परिंदा कविता के लेखक कौन है, मैथिली सरगुप्त, हरिवंश राय बच्चन, सादा बालम, जावेद अख्तर। तो सादा बालम। अब सेकंड क्वेश्चन है इसका दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखिए, है ना। तो परिंदा की फर्स्ट क्वेश्चन है परिंदे की राहें कैसी है, परिंदे की राहें ऊंची नीची, ऊंची लंबी है। सेकंड क्वेश्चन परिंदा हवा में कैसे उड़ता है, परिंदा हवा में बाहें खोलकर पंख फैलाकर उड़ता है। अगला क्वेश्चन परिंदा कहाँ लौटने की बात करता है, तो परिंदा रेत में लौटने की बात करता है। अगला क्वेश्चन है परिंदा कहाँ खेलता फिरता है, तो परिंदा खेत में खेलता फिरता है। फिर अगला क्वेश्चन परिंदा कैसा जल पीता है, तो परिंदा मीठा जल, झरने का मीठा जल पीता है। अब जो है आपका कवि ने आजाद परिंदा के बारे में जो लिखा है उसे अपने शब्दों में लिखिए बोलता है ना। तो इसका आंसर आप लोगों की कॉपी में लिखा है, आप लोग इसे लर्न करेंगे, देख लीजिए। हम आपको एक बार बता देते हैं, आओ करें तीन, है ना। आओ करें तीन का आंसर, इसका आंसर है कवि के ने आजाद परिंदा के बारे में जो लिखा है। कवि कहते हैं कि मैं आजाद परिंदा हूँ और मैं खुले आसमान में उड़ता हूँ, मेरा रास्ता बहुत लंबा है और मैं अपने पंख खोलकर उड़ता हूँ, मैं अपनी मर्जी से कहीं भी घूमता और नाचता रहता हूँ, सारी दुनिया ही मेरा घर है और मैं झोपड़ी से लेकर महल तक और मंदिर से लेकर मस्जिद तक कहीं भी जा सकता हूँ, मैं नदी, समुद्र, झील से लेकर खेतों तक में खेलता हूँ और घूमता रहता हूँ, मैं बाग बगीचे में जाकर अपनी मन पसंद के अनुसार फल खाता हूँ और झरने का मीठा जल पीता हूँ, इस तरह मैं अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेता हूँ। अब देखिए तीन हो गया। अब इस संसार में प्रत्येक जीव आजाद रहना चाहता है, आप इस बात से सहमत हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको छोड़ देना है। फिर अलंकार में आजादी आइए, अलंकार में देखिए पहला प्रश्न है कवि ने स्वयं की तुलना किससे की है, तो स्वयं की तुलना आजाद परिंदे से की है। सेकंड क्वेश्चन तुलना करने का क्या कारण है, तो तुलना करने का यह कारण है कि जिस तरह हम आजाद रहना चाहते हैं उसी तरह पक्षी भी आजाद रहना चाहते हैं, है ना। अब अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का, आओ करें 4, है ना। आओ करें 4 में देखिए ये लिखा है कांटों में खिलकर हम सबने हंस हंस कर है जीना सीखा, एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। तो इसका आंसर है कवि ने अपनी कविता में मुसीबत शब्द को दर्शाने के लिए कांटों शब्द का प्रयोग किया है। जिस प्रकार कार्टून का चुभना दर्द देता है उसी प्रकार मुसीबत में भी व्यक्ति दुखी परेशान होता है और इस कविता में सूत्र शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ होता है धागा। तो इतना आपको रिवीजन फर्स्ट में करना है, रिवीजन फर्स्ट में।
बता दी है, ये आपने अपनी तैयारी करना है। उसके बाद कल जो होगा वो सेकंड रिविजन होगा, जिसमें पांचवा क्वेश्चन आपने बच गया है और मेरी बारी के जितने क्वेश्चन है वो सब बच गए हैं। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद बच्चों, बस तैयारी कीजिए और अगले जो है रिविजन उसकी भी तैयारी कीजिए। धन्यवाद।